बहुत डाउनफॉल आए हैं कोविड सबके लिए डाउनफॉल था yeah. मैं मैं बॉम्बे छोड़ के चला गया था जब मैंने डिसीजन लिया मैं टीवी नहीं करूंगा उसके बाद मुझे काम नहीं मिला तीन साल रामगोपाल और मैं सर की कार के पीछे भागा हूँ संजय मंसाली सर के घर के बाहर बैग लेके खड़ा हो रहा हूँ काला नाम ही इसलिए रखता है ये अपना कनाडा में क्योंकि इज अ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन डज तो इंडियंस बेसिकली वो बहुत फेस करते हैं हम ना यार अपनी कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की बातें चीज़ें नहीं जानते हैं तो हमें ये लगता है ये इतनी बड़ी स्टोरी है पंजाब के म्यूज़िक को लेकर वो पूरे देश को बताए कि है ना पंजाब के म्यूज़िक के सिनेरियो में म्यूज़िक के साउंडस्केप में यह सिर्फ एक फिल्म में आने वाली बातें नहीं हैं ये बहुत डेप्थ हैं बहुत सारा मटीरियल है बहुत सारी कहानियाँ हैं तो वी होप यू ऑल इन्जॉय इट टीजर देख के और जितने भी आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं चमक से रिलेटेड मुझे ऐसे लगता है कि एक्ट्रेस से ज़्यादा आपके लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट था बिकॉज 28 एट सॉन्ग्स फोटीन सिंगर्स और हर एक्टर से अलग अलग चीज़ें करवाना मतलब एक अपने में एक टास्क हो जाता है सो कैसे आप सर बताएंगे टास्क हो जाता है बट आई वुड से वो एक्टर्स के लिए भी उतना ही जितना डायरेक्टर के लिए होता है ना क्योंकि यार आ... एक एक्टर को अब जैसे अगर परम जो काला प्ले कर रहे हैं प्रोटैगनिस्ट हमारा वो काला डार्क भी है साइड में वो वो फ्लड भी करता है वो लाइट मोमेंट्स भी हैं उसका अपने फादर सन रिवेंज स्टोरी भी है और म्यूजिशन है तो आप देखिए इसको भी उतना ही इमर्स होना पड़ेगा कैरेक्टर में एक्टर को भी उस उनको भी जितना कि मुझे यू you नो know, hmm. या मेरी टीम को या हम उसको साथ में लिखते हुए फिर इनसे परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट करवाते हुए पर एक्टर की भी जर्नी आज क्यों फिल्म मेकिंग दिस इज़ द न्यू एज ऑफ फिल्म मेकिंग दैट ऑल ऑफ़ अस बिलीव इन एक्टर की जर्नी भी अब वो, वो वर्कशॉप से शुरू हो जाती है उसके पहले आई थिंक स्क्रिप्ट पढ़ने से ही hmm. और फिर वो वो खुद उसको जीते हैं एंड फॉर अ सीरीज

Hmm. Wow. और उसके बाद फिर मैं जब आ, आया बॉम्बे तो मैं सर को दिसंबर मिड में मिला yeah. था yeah. उसके बाद सर ने मुझे बताया दिस इज हाउ आई लुक एट काला ये काला होगा मेरा पर मैं गोरा था <laughs> सबसे पहला क्वेश्चन था कि काला गोरा कैसे हो सकता है क्योंकि दैट्स द दैट्स द स्टोरी क्योंकि काला नाम ही इसलिए रखता है ये अपना कनाडा में क्योंकि देर इज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एवरीबडी डज तो इंडियंस बेसिकली वो बहुत फेस करते हैं तो इसने अपना नाम ही काला रख लिया रख लिया था बेसिकली okay. इसका नाम कुलविंदर सिंह गिल था करेक्ट तो पहले हुआ टैन टैन होगा फिर बोला बाल लंबे करेंगे और मेरे इतने एक बाल ही थे जितने अभी हैं जब मैं सर को मिला था तो सर कहते विल पुट पुट एक्सटेंशन मैंने कहा एक्सटेंशन क्या हमारे पास कितना टाइम है सर बोले चार महीने चार के बाद थोड़े, थोड़े दिन बाद बोले छः महीने तो मैंने बाल बढ़ाने शुरू किए मैंने कहा सर मैं कुछ और करना नहीं चाहता साथ में क्योंकि दिस इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड आई डोंट डोट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न तो

तो ये पंजाबी सिंगर्स को कैनेडियन रैपर्स को फॉलो करता है। म्यूजिक के तो बहुत सिंगर्स पहनते हैं yes. right. और अगर पंजाब में देखा जाए सुरमा पहनते हैं लोग okay. पहले के टाइम पे अकाजल मॉडर्नाइज हो गया सुरमा अच्छा अवेलेबल अच्छा नहीं होता तो वो था फिर हमने डिसाइड किया कैसे गाना गाएगा कैसे रैप होगा जर्नी होगी तो मैं कम से कम डेढ़ साल जिया हूँ इसके साथ हम सर तो साढ़े तीन साल और वो अगर आप देखोगे पीछे फोटो में तो वो ऐसा ही है <laughs> <laughs> हाँ ये सब सो दैट वाज आल्सो द जोक वो जोक भी था हमारी hmm. टीम में कि नहीं ये तूने जैसे तू कपड़े पहनता है जैसे तू रहता है वैसे बना बनाया हाँ। उसको काले को नहीं बट अलॉट ऑफ इट इज ट्रू बट अलॉट ऑफ इट इज नॉट ट्रू ऑल्सो काला इज मच मोर colorful and much more interesting than I have been. Right. The biggest project project of my life risk मतलब all thanks to Sony Live तो yeah. back uh, तो एक भी चीज चुकनी नहीं चाहिए यार. Yes. Also, sir, आपके पास तो सारे artist का option रहा होगा पर को ही इस कैरेक्टर के लिए मतलब वो जचेंगे ये आपके दिमाग में क्यों आया सो सबसे बड़ा एक पहला थैंक्स जाता है शौगतो मुखर्जी एंड दानिश खान फ्रॉम सोनी लिव दानिश खान एंड शोगतो इज द कंटेंट हेड दानिश खान इज दानिश और शौगतो ने मुझे बस ये बोला कि ये ना टब्बर के मैंने टब्बर मैंने देखी थी टब्बर में से बट दे ऑल्सो शोड मी दशेज भी दिखाए परम का सपोर्टिंग रोल था एक उसमें पुलिस ऑफिसर का तो बहुत प्यारा किया था वो ऑब्वियसली आईज आंखें और मेरे लिए एक्टर की आंखें बहुत मैटर करती हैं बहुत एक्टर एक्ट्रेस बहुत मैटर करती हैं वो कम्युनिकेट करना चाहिए उससे उसी से क्लोजअप्स बनते हैं और अब जितने भी पुराने गाने आपको क्यों अच्छे लगते हैं वो थोड़ी नचाते हैं कैमरा वो एक्सप्रेशंस और वो होल्ड करते हैं right. कैमरा होल्ड करते hmm. हैं वो बस आइज़ पे फेस पे तो वो जब मैंने जब रशिज़ देखे ना साथ में मैं आधे से ज़्यादा तो कन्विंस वहीं हो गया था फिर उसे फ़ोन पर बात करी आई थिंक तीन चार दिन में साइनिंग पेपर भेज दिए थे ये <laughs> <laughs> ये कुछ शूट कर रहा था मिजोरम में कहीं पे तो उस... मैं डिसीजंस फास्ट लेता हो इंस्टिंक्ट होता है सब कुछ इंस्टिंक्ट है आ, कई बार ऐसा भी होता है आ, कि इंस्टिंक्ट वर्क नहीं करता आपका पर ज़्यादातर अगर आप अपने इंस्टिंक्ट पे बिलीव करें अंदर से जो आवाज़ आती है तो वर्क करता है और कोई ऑडि सर ने पहले मुझे बोला था कि ऑडिशन करेंगे ठीक है और कोई ऑडिशन नहीं किया दो तो दिन बाद की बस फोन पे देखा भी नहीं था मुझे वीडियो कॉल पे हम दो दिन बात करते रहे थे, ये शूट पे थे, तो बट हर इंसान की लाइफ में ना डाउनफॉल जरूर आता है hmm. तो मैं आप दोनों से ही जानना चाहती हूँ लाइफ में क्योंकि कोविड के बाद भी बहुत सारी चीजें बदल गई इंसान की hmm. जिंदगी में मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे रिलेशन है ना वो कोविड के टाइम पे ही ज्यादा उभर कर बाहर आए <laughs> आप लोग से जानना चाहती आप लोगों की लाइफ में क्या कभी एक नहीं आया और जितने आई थिंक जितने डाउनफॉल्स आते हैं उतना अगर बोलते हैं ना कि अगर आप किसी बॉल को जोर से जमीन पे पटकोगे वो उतनी फोर्स से वापस आएगी yeah. तो आई बिलीव इन दैट बहुत डाउनफॉल आए हैं कोविड सबके लिए डाउनफॉल था yeah. म, मैं मैं बॉम्बे छोड़ के चला गया था उससे पहले टीवी जो जब मैंने डिसीजन लिया मैं टीवी नहीं करूँगा उसके बाद मुझे काम नहीं मिला तीन साल कुछ नहीं किया मैंने एक ऐड भी नहीं की वो डाउनफॉल था स्ट्रेस आता था तो, तो बहुत सारे डाउनफॉल्स हैं और सर के भी मुझे पता है आप बट पेशेंस काफी रखा हाँ। आपने हां तीन साल आप सोचे खुद ही तीन साल जब yes. काम नहीं मिलना बॉम्बे में और एक एक्टर के लिए सरवाइव करना वो खुद ही इतनी मुश्किल बात है right. और uh, मेरे डाउनफॉल्स तो आप कहां से शुरू करना <laughs> चाहते हैं डाउनफॉल्स और अपसेट डाउन्स सो आई थिंक वो दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ यार दैट इज़ yes. uh, तो सब कुछ किया है मैं एज एन असिस्टेंट रामगोपाल और सर की कार के पीछे भागा हूँ संजय मंसाली uh, सर के घर के बाहर बैग लेके खड़ा हो रहा हूँ दोनों को इवेंचुअली असिस्ट किया है बहुत uh, एक टाइम था जब मैं ऑफिस में ही uh, मतलब रामो सर अगर सुबह आके खोलते उठ नौक करते थे तो मैं ही दरवाज़ा खोलता था <laughs> और यहाँ पे एक टूथब्रश होता था तो वो सब कुछ किया है ऑल्सो मैंने सीखा भी है उसी चीज़ से और बस वो वही है वो उतनी फायर है फिर उसके बाद स्टार्ट करी हिंदी फिल्में हिंदी फिल्म्स नहीं चली पंजाब पंजाबी फिल्म्स में अच्छा किया फिर वहाँ की पॉलिटिक्स यहाँ पर देखा मैंने मुझे समझ में आया कि जैसे विराट कोहली का बल्ला बोलता है ना तो बैट वही है इतनी सिंपल सी बात है तुम्हारा बैट करेगा बात भाई तुम बात करना छोड़ दो। yes. Back to चमक सर, अगर चमक की बात करेंगे so टीजर को इतना प्यार मिल रहा है लोगों का आप लोगों को तो हमारे अच्छा <laughs> yes. हाँ, पास रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से चमक को काफी अच्छा रिस्पॉन्स हो रहा है लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में और कोई ऐसी ऐसी चीज जो आपके शो को यूनिक बनाएगी आपकी सीरीज को आपको ऐसा लग रहा है ऐसा लग रहा है की लोगों को पसंद आना चाहिए बिल्कुल क्योंकि बहु, बहुत जादा, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा जान लगाई है बहुत ज़्यादा मेहनत लगाई है सब ने हमारे सारे डिपार्टमेंट्स ने सारे एक्टर्स ने सबसे ज़्यादा इवन सिंगर्स ने जिनकी अपेयरेंसेज हैं गेस्ट अपेरेंसेज हैं गेस्ट अपेयरेंस नहीं हैं सिर्फ गाने भी हैं मतलब सुनिधि चौहान स्टेबिन बेन से लेके गिप्पी ग्ररेवाल मीका सिंह यू नेम इट वो सब हैं तो पसंद आना चाहिए लोगों को एक बहुत ऑथेंटिक दुनिया क्रिएट करी है हम लोगों ने कोशिश करी है आ, और मुझे लगता है लोगों के लिए ना एक म्यूजिकल थ्रिलर और फादर सन की वो एक रिवेंज स्टोरी right. वो उनको एक कंप्लीट पैकेज मिलेगा और बहुत अच्छा शूट हुआ है शो <laughs> so, तो क्या कहना चाहेंगे परम जी बहुत मेहनतें की आपने दो साल उसी कैरेक्टर में जिया आपने यार हम सब ने पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है और दिल से मेहनत की है जी जान लगाया शो में और हम होप करते हैं सबको पसंद आए हमने अपनी तरफ से अपना हंड्रेड परसेंट दिया है बाकी आपके ऊपर है थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट ऐसे ही सात तारीख को जैसे सीरीज आए धमाल मचने ही वाला है दिल में पूरी एक वाइब है पॉजिटिव वाली सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू सो मच प्लीज याद रखिएगा चमक streaming on Sony Live 7th December.